वार्ड नंबर 29 से विकास नगर से आवेदन किया है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है कि आप जो है पार्टी के प्रत्याशी बन पाएंगे? मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है और मैं पिछले 15-16 सालों से कंटिन्यू पार्टी में काम कर रही हूँ और मुझे शेष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो मुझ पे विश्वास जताएंगे और मैं बाकी जनता का फैसला है, जनता की आवाज बनकर उतरेंगे और काम करेंगे। और वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है और मुझे उम्मीद भी है और पूरे अभी पिछले 2 टर्म में मैंने जीत हासिल की थी और तन मन धन से अपने क्षेत्र की सेवा की थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकमान मेरे इस आवेदन को स्वीकार करेगा। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में आएगी और क्योंकि बीजेपी का 10 साल का जो पिछला 5 साल का जो पिछला कार्य रहा है वो लोगों में संतोषजनक नहीं रहा है और लोग जो है काफी एंटी है बीजेपी के, इसलिए जो है ना कांग्रेस इस पर सत्ता माने की पूरी संभावना है। अब जो है हम पूरी तैयारी से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जल्द ही हम कॉरपोरेशन में जो है कांग्रेस की जो है सत्ता को काबिज करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जो लोगों की इच्छाएं हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा। कितने आवेदन आ गए हैं? आवेदन देखिए पिछले कल भी काफी आए हैं, आज भी आ रहे हैं, आज जो है शाम तक समय है आवेदन करने का, तो हर वार्ड से जो है 3-3, 4-4, 2-2, 5-5 आवेदन आ रहे हैं अभी तक ना।